अरवरी फिर से बहने लगी। कौन कहेगा कि कभी यहां सूखी नदी थी। कितना बदल गया है सब कुछ। 10, 15, शायद 16 साल पहले कितनी मुश्किल थी यहां की जिंदगी। कहते हैं अरबरी में पानी बहता था, मुझे तो विश्वास नहीं होता। पता नहीं, पर मूल बात तो ये है कि हमें कैसे दिन दिन भर पानी के लिए भटकना पड़ता है। पता है श्यामली, मेरे दद्दू तो यहाँ मेरा ब्याह ही ना करना चाहते थे। कहते थे छोरी को सारा सारा दिन पानी ढुला ढुला के मार डालेंगे। फिर तो यहाँ के सारे लड़के तुम्हारे रहते। लेकिन दद्दू मान गए। पर सचमुच पानी जुटाना तो जी का जंजाल बन गया है। कभी पीने के लिए पानी तो कभी ढोर डांगर के लिए। अगर इस साल भी पिछले साल जैसा सूखा पड़ गया तो सचमुच कोई अपनी छोरी ना ब्याएगा। अच्छा अब चलो। सारा गांव भी जैसे कि सुखार की चपेट है। 1985 में जब सरिस्का के आसपास का थानागाजी तहसील का ये सारा इलाका डार्क जोन था और यहाँ के लोग गांव छोड़ के शहरों में प्लान कर गए थे, गांव उजड़ गए थे, उस वक़्त तरुण भारत संघ के नौजवानों ने यहाँ पर पानी का काम शुरू किया। तुम क्यों इतने परेशान होते हो? जो तकदीर में लिखा होगा हो जाएगा। तकदीर की बात नहीं कर रहा हूँ, लोग गांव छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। गांव छोड़कर जाने की? यहाँ रहकर करेंगे भी क्या? पिछले साल तो थोड़ी बहुत बरसात हो गई थी, इस साल तो ढोर डंगर के लिए चारा जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। पता नहीं, पर मुझे सही नहीं लगता। अपना घर, गांव, खेत सब छोड़कर परदेश में। खेतों में क्या रखा है? खाली खेत देखकर पेट भरेगा क्या? इस साल तो अपने नदी वाले खेत भी जवाब दे गए। अपना तो कम से कम 5 बीघे बरसात के पानी से सिंचाई हो जाता है, बाकी की सोचो तो। इसीलिए लोग गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं। चलो जो तकदीर में होगा, पर मेरा मन नहीं करता। मेरा भी मन कहां कह रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी है, क्या करूं? देखो कल क्या होता है। कल क्या होना है? कल तक बारिश तो आने से रही। अरे नहीं, भीखमपुरा किशोरी की वो संस्था है ना, तरुण भारत संघ, वहां से राजेंद्र सिंह भाई साहब आने वाले हैं। वे क्या बारिश करवाएंगे? अरे नहीं पागल, उन्होंने कई गांवों में जोहर खुदवाए हैं, कुएं बनवाए हैं, हमीरपुर के लिए खास खबर भेजी है, कुछ विचार विमर्श करेंगे। चलो उन्हीं की ही सही, गांव वाले गांव ना छोड़े, हम तो यही मनाएंगे। देखो इसकी मुख्य धारा भावता गांव से शुरू होती है, ये दूसरी धारा कांकड़ के ढाणी से, ये दोनों धारा चांदपुरा के गांव के पास मिलती है। हमीरपुर के पास पहुंचते ये नदी के रूप में दिखाई पड़ती है और इसके नीचे जगन्नाथपुरा, पेडियाला और पिपलाई से आने वाली धारा भी इस नदी में यहां आकर मिलती है। ना वो सब तो ठीक है भाई साहब, पर ये बताओ कि आप हमें ये सब बता क्यों रहे हो? आपको तो पता है ना ये साल भर तो सूखी रहती है, अरे बरसात में कहीं थोड़ा बहुत बहती है। भाई मेरा कहना है कि अगर हमीरपुर में यहाँ इस जगह बांध बनाया जाए तो धाराओं का पानी यहाँ जमा हो सकता है और उससे परती पड़ी जमीन में भी फसल उगा सकेंगे। अरे तो बनाओ ना बांध, इसमें क्या बुरा है?
भाइयों, ये हमारे भाई साहब जो है ना, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इन्होंने भावता और वो ये कौन सा गांव है पड़ोस में, किशोरी, किशोरी में सुना है जोड़ बनवाए हैं और कुएं भी बनवाए हैं, अभी यहाँ भी बनवाए। भाई इसमें आप सबों को मेरा साथ देना होगा। अरे हाँ, साथ क्यों नहीं देंगे, क्यों ना देंगे साथ, हम जब हमारे भले का काम है तो साथ क्यों नहीं देंगे। तो ठीक है, आप लोगों को भी भावता गांव के लोगों की तरह शराब छोड़नी पड़ेगी, समितियां बनानी होगी और गांव के झगड़े मसले जो कुछ भी है वो गांव में भी आप लोगों को निपटानी पड़ेगी, सभी को श्रमदान करना पड़ेगा। ठीक। और इस काम में जो भी खर्च होंगे वो हमारी संस्था करेगी। लेकिन है? लेकिन क्या जी? भाई जहां बांध बनेगा वहां बरसात में वो जमीन डूब जाएगी, फसल वहां नहीं होंगे। तो अगर ये यहां बनता है जी, यहां ये पत्थर घाट पे अगर ये बनता है तो ये तो है तो ग्यारसी लाल की जमीन है, और अगर ये यहां बनता है तो ये तो है, ये तो है रामधन मीणा की जमीन। तो इसमें तो फायदा नीचे वालों को हो रहा है। मैं नहीं देता हूं साहब आपको। लग रहे हो तुम, तो शायद आज मीटिंग में गए थे ना, आने की व्यवस्था कर दी भाई साहब ने? चुप करो भाई, कुछ सोचने दोगे या बोलते ही रहोगे? गुस्सा क्यों होते हो, तुम्हारे सोचने से तो पानी नहीं आ जाएगा। कुछ बोलो, बोलो ना, मना कौन करता है। आज मीटिंग में कोई खास बात हुई है क्या? भाई साहब ने एक योजना बताई है, उसे गांव में सालों साल पानी रह सकता है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन रामधन मीणा ने अपनी जमीन देने से मना कर दी है। दरअसल जहां बांध बनेगा उसके ऊपर वाली जमीन उसी की है, उस बड़े पीपल वाले पेड़ के पास वाली। अरे वो तो एकदम बंजर जमीन है, वो डूब भी गई तो क्या हुआ, उस पे अब कौन सा सरसों और गेहूं उपजेगा? यही बात तो वो बेवकूफ नहीं समझ रहा है। अरे उस बंजर जमीन के बदले। अच्छा जी, एक बात पूछूं, क्या बांध उसी जमीन पे बनना जरूरी है, क्या उसके ऊपर नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता, कहीं तुम्हारा मतलब? हाँ, उसके ऊपर हमारी जमीन है ना लक्ष्मी, वही हमारी सबसे उपजाऊ जमीन है, उसमें तो सुखाड़ में भी कुछ ना कुछ पैदा हो जाता है। अगर वहां बांध बनेगा तो हमारी पूरी जमीन पानी में डूब जाएगी। डूबती है तो डूब जाए, पर पानी तो आएगा ना, सूखी अरवरी तो फिर बहेगी ना सालों साल। दरअसल मैं भी यही सोच रहा था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। देखो समाज तो पानी के काम से ही उठेगा ना, इसलिए हमें कुछ सोचना नहीं है। रूड़ा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं काका, लक्ष्मी कह रही थी कि अगर बांध ऊपर बने तो हम अपनी 5 बीघा जमीन समाज के काम के लिए दे सकते हैं। मैं सच पूछो तो मैं भी इसीलिए आया था। सोचो, बांध बनेगा, पानी बहेगा और फिर से अरवरी बहने लगेगी, फिर से हरियाली होगी। काका अब तो खाना खा कर ही जाना। वो तो मैं खा लूंगा। तो पहले तो लक्ष्मी को रूड़ा की इन सब बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन रूड़ा ने उनको समझाने की कोशिश की और उसके बाद फिर ये बात शुरू हुई कि भाई ये कहाँ पानी का काम शुरू किया जाए। तो जब पानी की जगह तलाश कर रहे थे तो उसमें रूड़ा का खेत थी
ये जो अरवरी नदी है उसके पास पड़ता था, और वो जो सबसे कम खर्चे वाली अच्छी जगह थी वो रूड़ा के खेत के सामने थी। मुझे तो बहुत तरस आता है उस बेचारी पर, मरद जाकर परदेश बैठ गया और वो दद्दू की तिमारदारी में मैके तक नहीं जा पाती। किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे सोना बाई की और किसकी, बेचारी की तकदीर ही खराब है। उसका मरद जो परदेश जाके बैठ गया है तो इसमें क्या हुआ? गांव के और भी लोग तो सुखार के कारण गांव से बाहर जा रहे हैं। बात इतनी नहीं है श्यामली, तू तो जानती है उसके ब्याह को 2 साल हो गए हैं पर अभी तक उसकी गोद सुनी है। उसका मरद उसे बांझ समझता है। जमीन और लुगाई कभी बांझ नहीं होती। देखना एक दिन सोनाबाई के भी दिन फिरेंगे। दीदी सुना है तुम लोग बांध के लिए जमीन दे रहे हो? हाँ, और भाई साहब ने कहा है कि उसमें जल्दी ही काम भी शुरू हो जाएगा। तो क्या हमारे गांव में फिर से पानी आएगा? हाँ, अरवरी फिर से बहेगी। अरे राम राम, राम राम बेटा। अरे वाह दद्दू, आपका हुक्का तो बड़ा बढ़िया है। ये बहुत पुराना है। अच्छा? ये हमारे दद्दू के समय का है। अरे क्या बात है, तुम लोग बांध के काम के लिए नहीं गई अभी? काका रोज रोज मुफ्त का काम अच्छा नहीं लगता है? अरे इसे तो अपने गांव का ही भला होगा, गांव में पानी आएगा और अरबरी बहेगी, हरियाली होगी, जंगल बढ़ेंगे, उसमें बाघ चीते होंगे। क्यों दद्दू, आप बच्चों को कहानियां सुनाते हो ठीक हो, लेकिन बाकी को तो सपने मत दिखाओ ना, आप भी और आपके भाई साहब भी। तुम्हें सपना लगता है ये सब? सुना नहीं तुमने वहां किशोरी और भीखमपुरा में कैसी फसलें हो रही हैं? वहां के सूखे कुओं का पानी ऊपर तक आ गया है। और ये सब किसने किया? ये सब भाई साहब ने किया है। भाई साहब ने क्या किया है? भाई साहब ने अब देखो ना, जमीन तो रोड मलकी, बांध बनाने का तरीका आपने और गांव के बुजुर्गों ने बताया था, बांध तो हम बना रहे हैं बिना मजदूरी के। अरे तुम लोग नहीं समझोगे, सब कुछ हमने किया तो अब तक क्यों नहीं बना लिया? अरे लोगों को जोड़ना, लोगों को समाज के काम में लगाना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। वो तो है दद्दू, मैं लक्ष्मी भाभी के बारे में सोच रही हूँ। उन्होंने अपनी सबसे अच्छी 5 बीघा जमीन दे दी। अरे अब तुम लोग बांध के काम के लिए जाओगे भी कि यहीं खड़ी खड़ी बकबक करती रहोगी? मेरा ख्याल है थोड़ा सा काम बचा है, बरसात तक पूरा हो जाएगा। अब चलो भी, नहीं तो दद्दू फिर से सपने सुनाने लगेंगे। ये सपने नहीं हैं, देख लेना एक दिन अरवरी फिर बहेगी अरवरी एक दिन। अब तो हमीरपुर की काया ही बदल गई है। मैं समझता हूँ कि रूड़ा और उसकी पत्नी के योगदान के कारण पूरे उस इलाके में काफी तब्दीली आई है और वो इलाका सरसब्ज हो गया है, हरा भरा हो गया है। लक्ष्मी जरा हुक्का ले आना। लक्ष्मी क्या है, बकरियों को चारा दे रही थी जरा। अरे बोल तो सकती थी, जा थोड़ा हुक्का ले आओ। भाई साहब आ गए थे इसलिए थोड़ी देर हो गई। अब क्या हो गया, बांध का काम तो पूरा हो गया है ना? बांध का काम तो पूरा हो गया, अब बरसात का इंतजार है, फिर देखो। फिर क्या देखना, बरसात होगी तो बांध में तो पानी भरेगा ही ना। सुनो मैं एक बात कहूं, वो जो अपनी पीपल वाली जमीन है ना उसका काम शुरू करवा दो,
बांध के पानी से वहां तक तो पटवन हो सकती है। तुम्हारी समझ की तारीफ करनी पड़ेगी। वाकई में तुम कितनी दूर की सोचती हो। भाई साहब भी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। सचमुच में अगर तुमने जमीन देने की बात ना कही होती तो हमीरपुर में बांध ना बनता। भाई साहब कह रहे थे कि तुम किसी पढ़ी लिखी से कम समझदार नहीं हो। अब बातें ही करते रहोगे या रोटी पानी भी करोगे? बच्चे तो सब नाच देखने के लिए थाना गाजी चले गए हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। तुम लोग बात करो थोड़ा, मैं गोवर्धन काका से मिल करके आता हूँ। पता नहीं क्यों बुलाया था, आकर ही रोटी वोटी खाऊंगा। ठीक है ना, बात करो तुम लोग। तुम नाच देखने नहीं गई? सुना है जोधपुर से पार्टी आई है। उसी के लिए तो आई थी। तुम्हारे घर से सारे चले गए क्या? कब के जा चुके। ये जल्दी आ जाते तो मैं भी साथ चली जाती। सुना है कलेक्टर साहब ने बुलवाया है, टिकट भी नहीं है। अब मैं किसके साथ जाऊंगी? तू ठहर, ये आते हैं तो मैं इनको बोलती हूँ। अरे हाँ सुन, मैंने सुना है सोना भाई का पति आ गया परदेश से। हाँ, दोनों मिले थे, डांस देखने जा रहे थे। दोनों ही बड़े खुश थे। चलो अच्छा हुआ, ससुर के मर जाने के बाद तो बेचारी मैके में ही बैठ के रह गई थी। अब तो हमारे गांव के दिन फिर गए भाभी। बांध बन जाने से सभी लोगों की उम्मीदें जग उठी हैं। अच्छा अब मैं तैयार होने जाती हूँ, भाई साहब आ जाए तो मुझे आवाज दे देना। नाच तो कब का शुरू हो गया है। घर गूंजे एक ही नारा, घर गूंजे एक ही नारा, साक्षर होगा हमीरपुर सारा, साक्षर होगा हमीरपुर सारा। नमस्ते चाचा, नमस्ते नमस्ते। भाई साहब अब तो गांव में भी बड़े बुजुर्गों को पढ़ाने लिखाने की बात चल रही है। मैं सोचता हूँ कि मैं बूढ़ा ठेढ़ा आदमी, अब पढ़ के क्या करूंगा। हाँ आप ये सही कह रहे हैं, बोला आप पढ़ के क्या करेंगे। लेकिन सरकार की योजना है कि सबको पढ़ाना है। तो भाई साहब आप भी यहाँ पढ़ाने के लिए आए हो, लेकिन मैं तो कहती हूँ ये आ कासा से पढ़ने से क्या होगा। अगर पढ़ाना ही है तो हमें जमीन पानी और जंगलात के बारे में पढ़ाइए। अरे लक्ष्मी, तेने बात तो बहुत पते की कही है। अरे इन अक्षरों में कहाँ होता है कि सूखी नदी फिर से कैसे बहती है और बंजर जमीन फिर से कैसे फसल उगाती है। चचा आप लोग जो बोल रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन अंकों और अक्षरों की जानकारी भी सही है। कई बार अंकों और अक्षरों की जानकारी नहीं होने से नुकसान भी उठाना पड़ता है, और कई बार अंकों और अक्षरों के बूते दूसरे लोगों का अधिकार भी छीन लेते हैं। छिपा क्यों रही हो? वो क्या है कि आज भाई साहब आए थे। हाँ। पढ़ने पढ़ाने की बातें कर रहे थे, बता रहे थे कि बड़े बुजुर्ग सभी को पढ़ना चाहिए। तो मैंने मना किया क्या? मैं तो पहले ही कह रहा था। हटो भी, तुमने कब कहा? अगर कहा होता तो मैं पहले ही नहीं सीख जाती। हाँ। अरे भाई तुम बिना सीखे ही किसी से कम हो क्या है? अरे तुम्हारी समझ की मिसाल तो हमारे गांव का बांध है, जबर सागर। नहीं भाई साहब बता रहे थे कि हम पढ़ने लिखने से कम अपने अधिकारों के बारे में जान सकते हैं
और अगर हमारे अनुभवों के साथ अक्षरों का मेल हो जाए तो हम समाज को आगे बढ़ाने में हाथ बटा सकते हैं। अरे लक्ष्मी, तुम तो बिना पढ़े लिखे ही इतनी ऊंची ऊंची बातें करती हो, नहीं करती हो है? लाओ मैं सिखाता हूँ। हटो भी, बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे बच्चे कुछ नहीं सोचेंगे, वो सोचेंगे कि अम्मा को पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या है, ये शर्म की क्या बात है। ये पकड़िए, ये ए, ये 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 क्या हुआ? कमला भाभी, वो रूड़मल भाई साहब की लुगाई लक्ष्मी भाभी है ना, वो आजकल पढ़ना लिखना सीख रही है। अच्छा, ये भाई साहब भी ना, जब उम्र थी तब तो मुझे तो मौका ही नहीं मिला, मेरा बचपन तो भाई बहन को खिलाने में ही बीत गया। मेरे गांव में भी स्कूल नहीं था और मेरे दद्दू कहते थे तू पढ़ लिख कर क्या करेगी, किसी के घर जाकर चूल्हे तो फूकना है, और मेरी माँ भी खेतों में लेके जाती थी। पर भाभी, अब मैं सोचती हूँ जब मौका मिले तभी कुछ सीख लेने में बुरा नहीं है। मैं भी यही सोच रही थी इसलिए। अच्छा, तो यहाँ भी छुप छुप कर पढ़ा जा रहा है और मैं ही भोली हूँ कि मैं लक्ष्मी भाभी की बात लेके बैठ गई। इस उम्र में सबके सामने पढ़ने में शर्म आती है। लो, मैं जो बताने आई थी वो तो भूल ही गई। दद्दू कह रहे थे कि हमारे जबर सागर बांध को देखने के लिए जयपुर और दिल्ली से लोग आ रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे थे कि हम लोगों को भी वहाँ मौजूद रहना चाहिए। हम वहाँ जाकर क्या करेंगे, जिसको देखना है देखे। वो कह रहे थे कि वो लोग हमसे कुछ जानकारी लेंगे। हमसे क्या जानकारी लेंगे, जो है सब सामने है, बांध भी अरोरी भी। सच भाभी, दद्दू ठीक कहते थे कि अरबरी फिर से बहेगी, और देखो अरबरी अब सालों भर बहती है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमारे गांव के लोगों को, जिनके प्रयास से ये अरबरी नदी पुनर्जीवित हुई, उनको पुरस्कृत किया, उनको उनकी कमर थपथपाई, उनको उनका उत्साह वर्धन किया, और हमीरपुर में काफ़ी समय रुककर जनता को हिंदी में संबोधित किया। उन्होंने खुद ने हिंदी को पढ़ा, हिंदी में अपना भाषण दिया। पूर्व माँ की जमीन लड़की को मार दे दिया मैं, अंडे बंधवा लिया और माँ कुआं में पानी हो गया, जब माँ का पैदा हो गया। लोगों ने बांध बनाने के लिए जमीन दी थी ना, उसके लिए तेरा फोटो इसमें छपा है, देख। क्या देख रही हो है? हम भी बड़े होते Thank you.